तेजस्वी यादव ने कहा था कि 4 जून के बाद हमारे चाचा कोई बड़ा फैसला लेंगे। अब तो 4 जून भी बीत चुकी है और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ चुके हैं, तो क्या सीएम नीतीश कुमार ने अब बड़ा फैसला ले लिया है? आपको बता दें, कल नतीजे निकल कर सामने आए हैं और आज नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से सुबह सुबह मुलाकात की है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं, चाहते तो अलग अलग फ्लाइट से भी जा सकते थे, लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार दबाव बना रहे हैं, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ दावा यह किया जा रहा है कि फ्लाइट में 2 घंटे में तेजस्वी और नीतीश कुमार के बीच डील तय हो गई है, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के करीबी नेताओं ने अब भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री पद नीतीश कुमार के लिए मांगना भी शुरू कर दिया है। तो पीएम मोदी को किस तरीके से फंसाया जा रहा है, किस तरीके से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, इन खबरों से, इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तो और, इस पर सोने पर सुहागा यह हुआ है कि तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ फ्लाइट से उतरे हैं, उसके बाद जो मीडिया के सामने जवाब दिया है, उसके बाद तो बवाल मच गया है। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर ऐसा क्या कह दिया है, आपको बयान सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार के करीबी जेडीयू नेता का धमाकेदार बयान सुनिए। लोग मानते हैं कि वो आज भी वो पीएम मटेरियल है? अरे बिल्कुल, नीतीश कुमार जी से बेहतर कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? और नीतीश कुमार जी ने जिस तरह बिहार को आगे बढ़ाया और देश के लिए जितना वो सोचते हैं, जब वो कृषि मंत्री थे, जो कृषि रोड मैप उन्होंने बनाया उस वक्त, आज भी उसी रोड मैप पे देश चल रहा है। जो रेलवे के लिए उन्होंने काम किया, आज भी देखिए लोग याद करते हैं नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार एक सीजन और बहुत बेहतर पॉलिटिशियन है, जो समाज को समझते हैं, देश को समझते हैं। लेकिन नीतीश कुमार पहले भी थे, लोग चाहते थे कि वो प्रधानमंत्री बने, आज भी लोग चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इस रिजल्ट के बाद उनसे उम्मीदें लोगों को ज्यादा बढ़ी। तो सब चाहते हैं या फिर कि नीतीश कुमार चाहते हैं, समझने वाले अपने आप में समझ गए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल जब नतीजे पूरी तरीके से निकल कर भी सामने नहीं आए थे, उसके पहले ही इंडिया गठबंधन ने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी ऑफर कर दी थी। इंडिया गठबंधन ये अच्छे से जानता है कि नीतीश कुमार कितना प्रधानमंत्री पद के लिए ललायित रहते हैं, इसलिए स्थिति साफ होने से पहले ही इंडिया गठबंधन ने बड़ा दांव चला और अब पूरा का पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। इसमें अगर तय तोड़ की जाए तो इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री भी बना सकता है, और अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन गए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव पूरी तरीके से पलट जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो अपना खेल शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कल जब नतीजे आए उसके बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं की है। और तो और, जैसे ही उनके आने की खबर आई, वो खाना खाने के लिए चले गए। कल आप देख सकते हैं कि वो खाना खाने के लिए चले गए, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात नहीं की, और आज आप देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव से मुलाकात भी की है, और तो और एक ही फ्लाइट में दिल्ली भी पहुंचे हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है और जल्द ही बड़ा खेला हो सकता है। क्योंकि अगर बिहार के सीटों की गणित की बात की जाए तो यहां पर लोकसभा सीटें कुल होती हैं 40। अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जेडीयू ने 16, लोजपा ने 5, आरएलएम ने 1 और हमने 1 सीट पर चुनाव लड़ा है। जेडीयू ने कम सीटों पर भी चुनाव लड़कर ज्यादा सीटें हासिल की हैं, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा प्रदर्शन किया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जेडीयू ने सिर्फ और सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें हासिल की हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़कर भी 12 सीटें हासिल कर पाई है। आप नतीजे देख सकते हैं, जेडीयू 12, बीजेपी 12, एलजेपी 5, आरजेडी 4, कांग्रेस 3, माले 2, हम 1 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। तो बिहार का समीकरण किस तरीके से सारे के सारे समीकरण बदलते हुए नजर आ रहा है, आप इन सीटों के गणित से अंदाजा लगा सकते हैं। आलम तो यह हो चुका है, जैसे ही तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दिल्ली में लैंड करते हैं, बवाल मच जाता है। तेजस्वी यादव से जैसे ही सवाल किया जाता है कि क्या चाचा आपके साथ आएंगे, तेजस्वी यादव बड़ा धमाका करते हैं। देश की जनता ने संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए,
सब लोगों ने मतदान किया और आप देखिएगा वही मतदान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजोरिटी से बहुत दूर रह गई। अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है, अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल 9 की बात है तो वो शेड्यूल 9 में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडे होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी, राम भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है। अयोध्या जी दिया भाई जी, बिल्कुल। हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में? अगर तो सुना आपने, तेजस्वी यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, ऐसे में किंग मेकर कोई भी हो सकता है और किंग मेकर चाहे कोई भी हो, मेरी इतनी ही अपील रहेगी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाया जाए, आरक्षण पर काम किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए। तेजस्वी यादव से सवाल भी किया जाता है कि क्या चाचा आपके साथ आएंगे, इस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोलते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे फ्लाइट में बिताकर साथ में आए हैं लेकिन उसके बावजूद कुछ बोलते हैं और वहां से चले जाते हैं। जो तेजस्वी यादव चुनावों के बीच दावा कर रहे थे कि 4 जून के बाद नीतीश चाचा बड़ा फैसला लेंगे, बड़ा फैसला ले सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, बड़ा खेल हो सकता है, वही तेजस्वी यादव अब बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो उनका ना बोलना अपने आप में कितना कुछ बोलता हुआ नजर आ रहा है, आप इस वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं, इस बयान से समझ सकते हैं। फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो एनडीए को भले ही बहुमत मिला है लेकिन बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, इसीलिए बीजेपी की हालत खराब है। और बीजेपी की हालत कितनी खराब है आप इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए न्यूज 24 की खबर में लिखा है कि चुनाव से पहले बीजेपी में आए 80% नेता हार गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल हुए हैं उसमें से 80% नेता हार चुके हैं, 25 नेता दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए थे, इनमें से 20 नेता हार गए हैं चुनाव। ये हाल हो चुका है लोकसभा चुनाव 2024 का। और इतना ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का इस बार तो इतना बुरा हाल रहा कि केंद्रीय मंत्री हार गए, वो भी 19 हार गए, केंद्रीय मंत्रियों के टिकट भी काटे गए, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का क्या हाल रहा, खबर देखिए। इसमें लिखा है कि लोकसभा चुनाव 2024 50 में से 19 केंद्रीय मंत्री हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो अमेठी का बड़ा चेहरा रही स्मृति ईरानी हार गई है, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्र टेनी हार गए हैं। ऐसे में बीजेपी को कितना बड़ा झटका लगा है इस चुनाव में, ये खबरें अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही हैं। आलम तो ये हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी निर्दलीय छोटी पार्टियों को साथ लाने की कोशिश कर रही है क्योंकि एनडीए भी अच्छे से समझती है कि इस बार खेल फंस गया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार ने खेल फंसा दिया है वहीं दूसरी तरफ नेता हार गए हैं, बड़े बड़े चेहरे हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा है और उसी के साथ अब डबल झटका तब लगने की तैयारी है जब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएंगे। दिल्ली में इंडिया और एनडीए दोनों की बैठक हो रही है, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? जो भी आपकी राय है इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर, इस बयान पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।